Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel. तो कैसे हो आप सब? Hope कि आप सब ठीक होंगे. By the way, आज का vlog Naxpulse के lover से start होगा, okay? बिना time waste किए हम पहले चलते हैं, इसमें fuel up करवाते हैं क्योंकि इसमें है fuel कम. पहले कर देते हैं इसको हम cold start. Cold start तो हो गया है वैसे. तो आज हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर सिटी राइड. देखते हैं कि सिटी राइड के लिए कैसी है. यार काफ़ी कंफर्टेबल है ये. यहाँ पे मेरे पास KTM होती तो काफ़ी संभाल के चलानी पड़ती. इस बाइक में मतलब डर नहीं लगता है कि नीचे लगेगा, सस्पेंशन की कोई प्रॉब्लम होगी. खड्डू में बड़े आराम से चलती है. बस इस पर एक बार हाथ बैठ जाए फिर मज़ा है चलाने का. हम थोड़ा कच्चे रास्ते से चलते हैं, ये वाला थोड़ा गंदा रास्ता है. इसमें फ्यूल कम है, पहले तो ये पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है इसके लिए. और माइलेज तो माशाल्लाह तक अच्छा ही है क्योंकि इसमें मैंने जब से लाया है तब से मैं इस पर चल चुका हूँ 254 किलोमीटर्स. तो मैंने फ्यूल इसमें अब तक डाल दिया 700 का, फिर खुद ही लगा लो माइलेज. और ऑफ रोड में तो माशाल्लाह. माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया है वैसे. मतलब स्टार्टिंग में आप जब लाओगे ना बिल्कुल भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा. मतलब इतनी ऊंची बाइक है ना, संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब तक कि इस पर आपकी हैंडलिंग पे हाथ नहीं बैठता है. जैसे आपका एक बार हैंडल पे हाथ बैठ गया, थोड़ी बहुत स्किल्स आ गई इस बाइक को चलाने की, फिर तो आपको इसके बगैर कोई और बाइक चलाने का मज़ा ही नहीं आएगा. बट इसमें मुझे एक ही झटका लगता है क्योंकि जैसे कि मुझे आदत है ABS बाइक चलाने की, इसके फ्रंट में तो ABS है, बैक इसके ABS नहीं है, डिस्क है ABS नहीं है, इसका सिंगल चैनल ABS आता है. माशाल्लाह हाईवे पर भी अच्छा परफॉर्म कर लेती है यार. जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा जाके देखो, मैंने ड्रैग लगाई है NS200 के साथ, वहाँ जाके आप देख लो कि ये कैसा परफॉर्म करती है. A few minutes later. So finally guys, fuel तो डालिया but मौसम भी आज कैंट है, मस्त है बारिश वाला. तो अब हम करने जा रहे हैं इस पर सिटी राइड. मतलब पहले ना इस पर बंदा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं चलता, जब स्टार्टिंग में बैठता है ना लगता है कि अभी ये निकल जाएगी हाथ से, स्किट हो जाएगी. बट जैसे हाथ बैठता है ना तो लगता है नहीं यार, कंफर्टेबल होके बंदा चलता है. और यहाँ पे बारिश की बूंदें भी गिरने लग गई. गैस मुझे इसमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इसमें जो गियर के नंबर्स होते हैं ना शो करते हैं जैसे कौन सी गियर में चल रहा है. इसको क्या हो गया? इसमें जो गियर के नंबर शो होते हैं ना यहाँ पे वो नहीं होते हैं, बीच में होते ही नहीं है. अब पता नहीं क्या मसला है. मुझे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है जो मैंने बताया कि इसका पोल्यूशन नहीं है, तो पोल्यूशन करवाना चाहिए था बट टाइम ही नहीं मिलता है यार. कल जाके पोल्यूशन करवाएंगे क्योंकि अभी हम इसकी सिटी राइड चेक कर रहे हैं ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है. बंद तो नहीं होती जैसे हम चल रहे हैं, थोड़ा रफ रेस देकर एक्स्ट्रा. बट इसका यार एग्जॉस्ट भी बड़ा सही है, पता ये बैक फायर मारती है यार. राइड रही है परफॉर्मेंस तो A1 भाई. सिटी राइड तो इसकी मस्त रही. आप करते हैं हम थोड़ा लीन चेक, इसका लीन कैसा बचता है इस पर. यहाँ पे तो काफ़ी कर्व है और मौसम भी क्या सही हो गया है यार. लीन चेक कर ही पा रहे होंगे आप मेरा. अरे कि जहाँ में आ गए
कभी शायद मैंने आपको ये व्लॉग में नहीं दिखाया है। आज आप मेरे साथ ये जगह भी इंजॉय कर लो। डर लगता है आगे से कोई आ ना रहा हो क्योंकि ये ब्लाइंड कर्व है सारे। तो सेकंड चीज़ मैं आपको जो बता रहा था, देखो इस टाइम यहाँ पे बीच में गियर शो कर रहा है, गियर रेशो कौन सा है, जैसे कि इस टाइम अभी 4 दिखा रहा है, बीच में ये ब्लाइंड हो रहा है। तो ये रीज़न क्या है मुझे पता नहीं लग रहा है, प्लीज़ जिसको पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी हमें बठंडी हाइट्स पे, यहाँ पे जो ये एरिया आता है ये बठंडी के बैक साइड में आता है, मतलब हाइट पे है। बठंडी जो और पोर्शन आता है वो ये वाला नीचे वाला पोर्शन पूरा बठंडी का आता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कुछ व्यू दिखा मुझे यार। सोलो राइड करने का मज़ा ही अलग है, किसी की कोई चिक चिक नहीं। और इस टाइम मौसम भी इतना प्यारा हो गया ना जम्मू का, कौन कहेगा यहाँ पे दिन में 35 डिग्री होती है, इस टाइम पे इस टाइम लग रहा है 20 डिग्री सेल्सियस है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारा प्लान बन रहा है एक लॉन्ग राइड करने का, प्लस थोड़ा बहुत एडवेंचर करने का, क्योंकि ये बाइक बनी है एडवेंचर के लिए। तो हम देखेंगे कोई प्यारी सी प्लेस जहाँ पे हम इस बाइक की कैपेबिलिटी चेक कर सके। ये तो आप उनका घोड़ा है यार, बस यहाँ पे लगाम इसकी लगानी है और इसको यहाँ से नहीं भागना है, ऐसे पकड़ के चलना है ना। लगता है हम किसी और जहान में आ गए, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना पीछे मैं पहले नहीं आया हूँ। और मौसम पीछे का इतना प्यारा हो गया है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी पहुँचने की क्योंकि बारिश भी आ रही है। हम बारिश से पहले पहुँचे और वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊँ। अरे यहाँ पे क्या कर रहा है हनी? हनी ओए कहाँ भाग रहा है? देख हनी भाग गया, हनी के दोस्त यार वो उधर भाग गए। कहाँ भाग रहा है? आजा आजा हनी। आई एम अ पेट लवर, एनिमल लवर। पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बाइक कुछ मैं ज़्यादा आगे तो नहीं ले आया गाइस, ये है कुछ यहाँ का व्यू। आपको भी थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा लूँ पठंडी हाइट्स का। अगर यहाँ से पाँव खींच कर ना तो नीचे पड़ेंगे। ये आ जाती है सफा वैली और ये एरिया, ये वाला जो आता है पठंडी का आता है, और नीचे वाला तो जम्मू सिटी आ जाता है, और राइट साइड में पूरा सिटी आता है जम्मू का, ये वाला शायद सतवारी वाला एरिया आता है, और ये पीछे कुछ ऐसे घने जंगल। प्यारा मौसम हो गया और प्यारा गाइस। अब चलते हैं हम और पीछे तक जहाँ तक ये रोड है। बाय द वे दिल आ गया इस बाइक पे भाई, प्यारा बच्चा है, इसका कुछ नाम रखना चाहिए यार। अभी तक तो मैंने इस पे अपने चैनल का नाम भी नहीं लिखवाया, कहा ना टाइम ही नहीं मिलता। जल्दी से हम इसकी यहाँ पे अपने चैनल की ब्रांडिंग करवा लेंगे एंड थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट्स, क्योंकि जो इसकी ये वाली लाइट्स है ना इसकी अपनी, वो काफ़ी ऊंची है। जैसे हम चलते हैं रोड पे तो ये लाइट बहुत ज़्यादा आगे पड़ती है तो नीचे कुछ दिखता नहीं है। एंड सेकंड चीज़ वो क्या करवाना है इसमें, बाकी अभी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें कोई ग्राफिक्स पसंद आ गए वो करवा लेंगे। ओके चलते हैं अब आगे की तरफ। हो जाए फिर यहाँ पे थोड़ा सा रैश, रैश मीन्स से थोड़ा सा तेज। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद यहाँ पे बनाई जा रही है, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे यहाँ नमाज पढ़ने। यहाँ के लोग कितने सुकून से रह रहे हैं, पोल्यूशन से दूर, शोर शराबे से दूर। वाह कितना शार्प कर्व था, मैं तो एक्सीलेट देके चल रहा था यार। अब तो ऐसा ऐसा डर भी लगने लग गया क्योंकि अकेला हूँ और मुझे नहीं पता ये रास्ता कितना पीछे तक जाता है। बस यार बाइक का फील ले रहा हूँ, मजा आ रहा है। ये इसमें फ्यूल डलवाया फिर भी इसका इंडिकेटर शो कर रहा है फ्यूल कम है, वार्म कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी टैंकी है इसकी भी यार। आई थिंक 15 लीटर टैंकी है इसकी, 10 से 15 लीटर ऐसा कुछ है। जंगल तो बड़ा भयानक है और बड़ा प्यारा भी है, भयानक इस एंगल से कि यहाँ पे ना लोग है ना कोई शोर शराबा है ना कोई तो अभी तक जानवर दिखा, दिखना भी नहीं चाहिए वैसे। गाइस यहाँ पे ना सर्दी लगने लग गई,
हम पहुंच कहां गए डोंट नो, कहां पहुंचे हम को तो मुड़ी हाथ पे बैठ गई। ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, चेक करना तो बनता है। बस यहाँ पे कोई, ओए मोर मोर गाइस मोर दिख रहा है आपको, ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो, ये पता क्यों, ये मतलब कैसे हुआ है, और जब बारिश होती है ना यहाँ पे, बारिश की वजह से आसमानी जो बिजली पड़ी है उसी की वजह से ये सब हुआ है। यहाँ से ये फिर ये फ्लड स्टार्ट होता है, सीधा एरिया में जाता है जो हमारे यहाँ नाले वगैरह आते हैं, देख लो बहुत ही भयानक मंजर। फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ ऐसा सीन। मैं भी सोचूं ये पानी आता कहाँ से नालों में जो हमारे यहाँ आता है, वो इसी कारण आ रहा है, यहाँ पे पड़ती है बिजली आसमानी, देन उसके बाद वही पानी ज़मीन से निकल के आगे तरफ जा रहा है। और मैं इस टाइम काफ़ी रिस्क पे खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आई डोंट नो, नीचे से खाली भी हो सकता है, क्या पता इसके नीचे मिट्टी हो ना हो, खिसक गया हो, क्योंकि देखो ये जगह भी क्रैक हो गई है, ये देखो वाओ क्या नज़ारे हैं यहाँ के। बस ये नज़ारा देख के डर लगता है, बाकी नज़ारे ही नज़ारे हैं, है ना। ट्रेन कहीं से जा रही है, वो देखो ट्रेन गाइस, देखो मेरा घोड़ा कितना प्यारा है, प्यार से चल रहा है, वाह है ना, मज़े से चल रहा है ना, देखो देखो कितना प्यार से चल रहा है, और वहाँ से सनसेट हो रहा है, वाह कितना प्यारा लग रहा है। बस आगे से कोई गाड़ी ना आए, हॉर्न बजाओ टीडी, हाँ टर्न हो जा, शाबाश। अब आगे से हमें लेफ्ट करना है हल्का हल्का, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, गुड 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 गुड, शाबाश। देखा मेरी प्यारी बाइक मानती है बात, अब देख ही रहे हो कितना अंधेरा भी हो गया था, आए थे तब तो सूरज डूबने वाला ही था, और इस टाइम मौसम मस्त हो गया है। बस पीछे होती कोई बैक स्पोर्ट ताकि मैं उसके साथ टेक लगाता, यहाँ से अपने घोड़े की लगाम पकड़ता और मज़े से ऐसे करके चलता। इस पर लीन मारने का भी अलग ही मज़ा है यार, ये देखो। मैं नहीं कहता इसको मैं परफेक्टली चला पाता हूँ, अभी भी मैं इसको मतलब अच्छे से नहीं चला पाता, नूब हूँ मैं अभी भी, मुझे इसमें अभी इतने स्किल्स नहीं है कि मैं इसको कंफर्टेबल होकर राइड करूँ, इसके लिए मुझे अभी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छे से, ली है इसीलिए ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से ऑफ रोड कर सकें और ऐसे ऐसे मौसम का मज़ा ले सकें, नेचर का मज़ा ले सकें, ऐसी ऐसी जगहों पर जाए, ये अनएक्सप्लोर जगह आपको भी दिखाए, खुद भी देखे, एडवेंचर करे प्यारा प्यारा। बस उस चीज़ के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जाके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा, और जो इस चैनल पे नया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम आपको दिखाते हैं ऐसे ऐसे अनोखे जम्मू के अनएक्सप्लोर जगहें, ठीक है गाइज। तो तब तक के लिए खाते पीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हम अपने घोड़े को भगाते हैं पहुँचते हैं घर, आप भी मज़े से खाओ पियो ऐश करो, जो इस चैनल पे नया है जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, जम्मू का व्यू देखो, अल्लाह हाफिज़।